हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बताता हूँ थंबनेल बनाना। हम थंबनेल तो बना लेते हैं पिक्सलैब से, तब हम फोटो का स्टिकर बनाते ना, तो फोटो में हमारी फोटो का स्टिकर अच्छे से नहीं बनता है। बस मेन वजह ये कि हमारी फोटो का स्टिकर अच्छे से नहीं बनता, स्टिकर अच्छे से नहीं बनता तो हमारा थंबनेल भी अच्छा नहीं बनता। तो दोस्तों, आज मैं आपको सामने बहुत अच्छे एक तरीका लेकर आया हूँ जिससे आप बहुत अच्छा स्टिकर बना सकते हो, उसके साथ में आप थंबनेल भी बहुत अच्छा बना लेते हो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हूँ। तो आपको मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने क्रोम में ओपन करके है। ये वेबसाइट का लिंक है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। अब हम बनाते हैं स्टिकर। तो स्टिकर बनाए, बस एक टिक में हम अच्छे से स्टिकर बना लेते हैं। एक भाई ने कॉमेंट किया था पहले वीडियो में कि भाई इसका पीछे का बैकग्राउंड सेम है ना, तभी इसका स्टिकर अच्छे से बनता है। अगर बैकग्राउंड में कुछ चेंज होगा तो स्टिकर अच्छे से नहीं बनेगा। तभी मैंने सोचा कि दोबारा वीडियो डाल ऐसी फोटो मतलब स्टिकर बनाए जिसका बैकग्राउंड भी पीछे का अलग अलग हो। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्टिकर बनाते हैं। पहले तो स्टिकर बनाने के लिए इस वेबसाइट पर आपको आना है, और इस वेबसाइट का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया अपलोड इमेज, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज, इस पर आपको कर देना है टिक। जैसे आप इस पर टिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। इस पर टिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर टिक करोगे तो आपकी जो आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर गैलरी सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं गैलरी पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हम जिस फोटो का स्टिकर बनाया ना उस फोटो को हम टिक करेंगे, ठीक है। मैं इस फोटो का स्टिकर बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी कुछ अलग अलग है, तो इस फोटो का मैं स्टिकर बनाऊंगा, ठीक है। आप देखिए, बस यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। अब ये बस 2-3 सेकंड लेगा, उसके हमारा स्टिकर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, इस फोटो का बैकग्राउंड भी अलग अलग चीज़ अलग अलग है, आप देख सकते हो। इस फोटो में बैकग्राउंड सब चीज़ अलग अलग है, और इसका देख लो स्टिकर एकदम अच्छे से बनकर आ चुका है। ये देख लीजिएगा, स्टिकर एकदम अच्छे से बनकर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये हमारे कार्ड के अंदर सेव हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा फिक्स लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो मैं मेरा फिक्स लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया, हमारे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आपको मैं पहले बता दूँ, ये फिक्स लैब एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। इसका आइकॉन मैं आपको दिखा दूँ, आप देख लीजिए। ये फिक्स लैब एप्लीकेशन, ये आपको डाउनलोड करना है, तो इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई दे रही, इस पर आपको कर देना है टिक, ठीक है। जैसे आप 3 डॉट पर टिक करोगे तो आपका ऑप्शन आ गया इमेज साइज का, इस पर आपको कर देना है टिक। जैसे आप इमेज साइज पर टिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया कस्टम, यहाँ से हम थंबनेल पर टिक कर देते हैं, इस पर हम टिक करेंगे। और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल दिख रहा है, इस पर हम कर देंगे टिक। जैसे हम इस पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ से ठीक पर टिक कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक कर देंगे। और यहाँ से हम एक फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, फोटो सेलेक्ट वो करेंगे जिसका एक कलर की, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर गैलरी में आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं जो ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा है फेसबुक का, चलिए ये लीला कलर है इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। और इस फोटो को हम अच्छे से इस प्रकार सेट कर देंगे, देख लीजिए आप शायद ये तो इस प्रकार एकदम अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। सेट करने के बाद आपको मैं थोड़ा अब यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर आपको कर देना है टिक। और यहाँ पर टिक इसे इनेबल कर देना है, और यहाँ से आपको जो कलर चाहिए वो बार की बाउंड्री बना सकते हो। बनाने के बाद आप यहाँ से सही कर दीजिएगा, वैसे एकदम अच्छे से सेट कर दीजिएगा। और करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है, और यहाँ से इस फोटो को लॉक कर देना है यहाँ पर, तो मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस प्रकार हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टिकर लिया था उसको लेते हैं, इस पर टिक करेंगे, और हम आ जाते हैं डाउनलोड में, क्योंकि वो डाउनलोड में आई है। तो हम डाउनलोड में आ गए, ये रहा वो स्टिकर, ठीक है। 8:39 AM पर लिया था हमने ये देख लीजिए, 8:39 पर आपको टाइम भी दिख रहा है यहाँ पर, 8:49 और 8:52 हो चुकी है, ठीक है। ये स्टिकर अभी बनाया हमने, तो इसको हम ले लेते हैं। तो ये देख लीजिए, स्टिकर एकदम अच्छे से ले लिए हमने, ये देख लीजिएगा। और ये बहने वाला कि इसका बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा, अच्छे से कटा स्टिकर अच्छे से बनाए, ठीक है। इस प्रकार हम इसे सेट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम
थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे हम पूरे अच्छे से सेट कर लेंगे इसे, ठीक है। अब उसका कलर चेंज करना चाहिए हमें फोटो का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन और भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको देख लीजिए ये ऑप्शन दिया है कलर इफेक्ट, इस पर हम टिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें अच्छा लगे वो, और सही कर देंगे, ठीक है। फिर इस फोटो को हम करने के बाद हम यहाँ पर ए पर लिखेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे हम कैसे लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ कैसे, कुछ भी आप जो लिखो अपने वीडियो के बारे में, ठीक है। जैसे आप कुछ भी लिखो, और इस फोटो को आपको देख लीजिएगा अच्छे से बना सकते हो, तो मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर स्टाइल पर ये कर दीजिएगा, और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो छोटा बड़ा, आप अच्छे से कर सकते हो, और इसको आपको कलर इसमें सेलेक्ट कर देना। तो इसमें आप कुछ भी आगे की जानते हो, मैं स्टिकर आपको थंबनेल बनाने के बताया आप, और इसके बाद इस प्रकार करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव पर टिक कर देना, ठीक है। यहाँ से आप सेव पर टिक करोगे, और यहाँ पर आ गया सेव टू इमेज, इस पर आपको कर देना है टिक, और यहाँ पर आपको कर देना सेव टू गैलरी। तो दोस्तों इस प्रकार आप थंबनेल बना सकते हो, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।